हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। बात करेंगे GTL इंफ्रा शेयर के बारे में। करंट प्राइस है 1.35। लास्ट सेशन में 3.85% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इस शेयर से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है जो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। आप इसे गुड न्यूज़ भी कह सकते हैं, वो प्रोवाइड करूँगी। एंड वीडियो के एंड में कि नेक्स्ट टारगेट्स आप क्या लेके चल सकते हैं इसमें, वो डेफिनेटली प्रोवाइड करूँगी। सो फ्रेंड्स, 1.05 52 वीक लो है एंड हाई है 3 रुपीज़। सो बहुत टाइम से 1.15 से लेके 1.50 के रेंज में मूव कर रहा है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स काफ़ी अच्छा इसमें पैसे बना रहे हैं। इनका क्वार्टर वन का रिजल्ट एक लॉस में काफ़ी कमी आई है, तो ये अच्छी चीज़ है। मार्केट कैप है 1704 करोड़। एक लॉस मेकिंग कंपनी है क्लियरली बोलूंगी, बट आपको इन्वेस्टमेंट करके क्यों इसमें अच्छा पैसा बना सकते हैं, बिकॉज ऑफ द सेक्टर। 5G सेक्टर आपको पता है ऑक्शन हो चुका है। रिलायंस जियो इज द टॉप बिडर। एंड फ्रेंड्स, अब सर्विसेज कब से स्टार्ट हो रही हैं, इसी के लिए गुड न्यूज़ है। तो सबसे पहले थोड़ा सा चेक कर लेते हैं नेक्स्ट इनके रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट क्या बनेंगे, बिकॉज शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं ये पॉइंट्स। पहला रेजिस्टेंस 1.37, देन 1.38, देन 1.42। एंड अगर डाउन ट्रेंड आएगा तो 1.32 पहला सपोर्ट है, देन 1.28, देन 1.27। बट इसका एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जो मैं आपको बता रही हूँ वो है 1.15, तो उसको ब्रेक नहीं करेगा इतना ईजिली। बहुत लास्ट फ्यू मंथ से वहाँ तक जाता है बट ब्रेक नहीं कर पाता। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम इसमें बहुत ही ऑसम है फ्रेंड्स। 3 करोड़ का वॉल्यूम लास्ट सेशन में एंड 61% डिलीवरी उठाई गई है। उससे एक दिन पहले 5 करोड़ का वॉल्यूम एंड 84% डिलीवरी उठाई गई है। फ्रेंड्स, इस शेयर में हमेशा करोड़ में वॉल्यूम रहता है, लेकिन जब से ऑक्शन कंप्लीट हुआ है उसके बाद से तो 3 करोड़ 5 करोड़ वॉल्यूम है। बिकॉज इन्वेस्टर्स को पता है कि अब 5G ऑक्शन हो गया है गवर्नमेंट की तरफ से, तो अब सर्विसेज तो स्टार्ट होने ही वाली हैं, और उसके बाद ये शेयर आपको एक रॉकेट बनता और एक मल्टीबैगर रिटर्न ज़रूर दे सकता है। 100% लोग बोलते हैं शेयर को बाय करना चाहिए बिकॉज ऑफ द सेक्टर, बिकॉज ऑफ द टेलीकॉम सेक्टर्स। एंड इस कंपनी के 28,000 टावर्स है ऑल ओवर द इंडिया। एंड अब 5G आ गया है तो फिर फ्रेंड्स और भी ज़्यादा टावर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इन्हें ऑर्डर्स भी मिलेंगे। और कंपनीज कौन कौन सी होंगी, रिलायंस, जियो, वोडाफोन, एयरटेल, तो इन कंपनी से इनको बिजनेस मिलेगा एंड इनके बिजनेस में ग्रोथ होगी। इनको टावर्स की रिक्वायरमेंट हम इंडिया में अब बहुत ज़्यादा होने वाली है। आप इसका रेवेन्यू देखिए, 2018 के कंपैरिजन रेवेन्यू बहुत कम हो गया था, लेकिन अब आप देखिए थोड़ा सा 2021 एंड 2020 के कंपैरिजन रेवेन्यू बढ़ा है, तो ये पॉजिटिव चीज़ है। लॉस में भी लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन बहुत ज़्यादा कमी आई है, तो इसलिए भी हम एक अच्छा रिटर्न यहाँ पर ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट मैं आपको दोबारा बोलूँगी, एक लॉस मेकिंग कंपनी है, तो आपको इन्वेस्टमेंट उतना करना है जितना आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि एक पेनी स्टॉक भी है। प्रोमोटर्स होल्डिंग है 3.33% एंड 100% जो है इनके प्लेज हैं शेयर, और 3.33% प्रोमोटर होल्डिंग है, तो प्रोमोटर्स होल्डिंग अच्छी नहीं है फ्रेंड्स। बट FII DII भी ज़रूर देखेंगे। FII की होल्डिंग भी है इसमें और DII की होल्डिंग भी है इस शेयर में, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। बट आप देखिए, FII ने अपनी जून 2022 में होल्डिंग को कम कर दिया है 0.12%, जो पिछले साल थी 1.85%, उसके बाद से कम करी है इन्होंने, तो काफ़ी कम हो गई है FII की। DII की होल्डिंग बता दी हूँ, DII की होल्डिंग थोड़ी सी कम करी है जून 2022 में 46.34%, जो लास्ट जून में थी 60%, तो उन्होंने भी कम करी है। तो फ्रेंड्स, एक लॉस मेकिंग कंपनी है तो इसलिए थोड़ा बहुत कम किया है, बट पता है सेक्टर की रीज़न से हमें बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। आपको मैं एक चीज़ भी बताना चाहूँगी कि GTL इंफ्रा सर्विस एज अ सिंगल विंडो, ये एक सिंगल विंडो वन स्टॉप शॉप प्रोवाइडर है इंफ्रास्ट्रक्चर में भी और टेलीकॉम ऑपरेटर की सर्विसेज में भी, तो बिजनेस इनका काफ़ी अच्छा है। और अब जितनी टेलीकॉम सेक्टर से कंपनीज हैं उनको गवर्नमेंट का काफ़ी अच्छा सपोर्ट है फ्रेंड्स। जानते हैं नेक्स्ट टारगेट्स और गुड न्यूज़ जो है। सबसे पहले गुड न्यूज़ आपको बताना चाहूँगी कि ऑक्शन हो चुका है। रिलायंस जियो
ने रिलायंस जियो ने अनाउंस किया है कि वो 5G सर्विसेज को स्टार्ट कर देंगे बाय दिस मंथ। तो दिस मंथ एंड तक 5G सर्विसेज स्टार्ट हो जाएंगे। एंड सेकेंड गुड न्यूज़ ये है कि 2024 तक तो रूरल एरिया में भी 5G सर्विसेज पहुंच जाएगी। तो ये दोनों बहुत ही गुड न्यूज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एंड GTL इंफ्रा को काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स मिलने वाले हैं रिलायंस से, जियो, वोडा एंड एयरटेल से। नेक्स्ट टारगेट आप 1.40 का अपर साइड में लेके चलिए एंड 1.30 का लोअर साइड में, चांसेस हैं अपर साइड जाने के फ्रेंड्स। सो थैंक यू सो मच।